भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को हिमाचल के कांगड़ा में कहा कि कांग्रेस माँ बेटा और बेटी की पार्टी है। आज के समय में सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो विचारों पर चलती है, देश की बाकी सभी पार्टियां विचारों से शून्य हो चुकी है। नड्डा ने कहा सत्ता के लिए वे हर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नड्डा सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रैली को संबोधित कर रहे थे। बिहार में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर नड्डा ने कहा कि मुझे कई बार हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों हाथ मिलाकर चुनाव में उतरते हैं, कहां गए इन दोनों के विचार। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। इसके लिए 23 जून को बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। भाजपा से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल की है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लेने पर सहमति दी है। जनसभा के दौरान नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और मोदी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त सरकार में घोटाले ही घोटाले थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में स्कैम से निकलकर स्कीम वाली सरकार देश में बनी। आज एक मजबूत सरकार, दमदार सरकार, निर्णायक सरकार के रूप में मोदी सरकार काम कर रही है। हमारी अकेली पार्टी है जिसके 6,80,000 से अधिक बूथ अध्यक्ष है। हमारे 303 लोकसभा सदस्य है, 1385 विधायक हैं, सैकड़ों मेयर हैं और हजारों जिला पंचायत सदस्य। सेवा करना, सुशासन चलाना और गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली अकेली पार्टी भाजपा है।